उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में प्राचीन कालीन चल रहे रामलीला महोत्सव कार्यक्रम का मंचन हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता था, लेकिन कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए इस बार रामलीला के मंचन का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इससे दुकानदारों की रोजी रोटी पर आन पड़ी है। पिछले 7 माह से लॉकडाउन के कारण आम जनमानस भुखमरी की कगार पर पहुँच चुका है। हमारे SKS न्यूज चैनल के जिला संवाददाता स्वराज सिंह ने बाहर से आए दुकानदारों से उनकी पीड़ा को जाना। देखिए खास रिपोर्ट SKS न्यूज। रामलीला मैदान में जहाँ खाली पड़ा था, कल भगवान की शोभा यात्रा निकलनी थी, राम बारात निकलनी थी, वहीं उसके स्तर पर हम एक जानकी बाजार आए, जहाँ जानकी बाजार में दूर दराज से दुकानदार आते हैं, यहाँ के दुकानदार भी हैं। कल राम बारात निकलनी थी, राम बारात से एक दिन पहले यहाँ के जो पुरानी दुकानें लगी हुई हैं, कुछ लोग दुकानदार बाहर से आए हुए हैं, उनका क्या कहना है, हम दुकानदारों से बात करेंगे। ये भी हैं, एक मैं दिखाना चाहूँगा, ये महिला बैठी हैं, दूर दराज से भी आई होंगी ये भी। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि जी, ये मेला राम बारात निकलेगी कल, राम बारात नहीं निकलेगी तो क्या होगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। यानी इसमें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है आपको? नुकसान ही नुकसान है, सब दुकानदारों का कोई फायदा नहीं है। तो आपने कल जो मेला लगेगा, राम बारात निकलनी थी, वो नहीं निकलेगी इसमें? नहीं, कोई सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं किया है अभी। तो क्या लगता है, आपने कोई माल सामान वगैरह भर लिया है क्या? अभी कुछ भी नहीं भरा, जो है वो ही है। पहले नाम था आपका? रश्मि जी। तो ये रश्मि है दुकानदार पर जो भगवान की मूर्तियाँ भी बेच रही हैं, उन्होंने कहा कि हम सामान इसलिए नहीं लेकर आए कि यहाँ अगर सामान लेके आते हो, राम बारात की कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, मेला का आयोजन होगा नहीं। ऐसे में हम और भी दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ दुकानदार भी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा इधर कैमरा पर्सन के माध्यम से कि खाली जगह पड़ी हैं, जहाँ भगवान शोभा यात्रा निकलती थी, राम बारात निकलती थी, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है पूरे भारत की, इस लॉकडाउन को लेकर के, लॉकडाउन समापन हुआ वहाँ कोविड-19 को लेकर के, यहाँ और भी दुकानदार खड़े हुए हैं और दुकानदार से मैं बात करूंगा। जी क्या नाम है आपका? राम बहादुर हमारा नाम। राम बहादुर जी, बताइए कल राम बारात निकलनी है या नहीं निकलनी है? कोई पता नहीं है अभी। अच्छा, कोई पता नहीं है। तो आपको जो दुकान लगाए हुए बाहर से आते हैं, आपको घाटा है या नुकसान है या फायदा है? नुकसान ही नुकसान है, या कुछ हो रहा है? तो राम बहादुर, आपको नुकसान है, आपने सामान भर लिया होगा मेले की वजह से? तो लिया है, बिक ही नहीं रहा है। अब बिक नहीं रहा है तो ये लॉकडाउन में कितना नुकसान हो गया होगा आपको? नुकसान तो बहुत ही नुकसान है, क्या बता दूँ। कोई रोजी रोटी आप कैसे चला पाएंगे अगर मेला का आयोजन नहीं होगा तो? अब कैसे क्या बताऊँ, कुछ नहीं चला पाएंगे, वैसे चलेगा तैसे चलाएंगे और क्या बताऊँगा। अब कहाँ से आए हुए हैं आप? हैं तो फिरोजाबाद के ही हैं, बाहर के नहीं। फिरोजाबाद के ही हैं। तो ये फिरोजाबाद के राम बहादुर, इन्होंने बताया कि सामान अगर मर के ले आएंगे, और लाए भी हैं, और भी दुकानदार हैं, दुकानदारों से मैं बात करूँगा कि जो बाहर से आए हुए दुकानदार हैं और जो पहले से पुरानी दुकानें उनकी लगी हुई हैं, ये जो जानकी बाजार में जो दुकान लगी हुई हैं महिलाओं की। जी क्या नाम भैया आपका? सलमान कुमार है। सलमान कुमार, कहाँ से हो आप? जाएंगे फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद के। तो ये मेला का राम बारात नहीं निकलेगी, मेले का आयोजन होगा नहीं, किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, घाटा है या नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है, लॉकडाउन को लेकर नुकसान हुआ, अब राम बारात निकलेगी, मेले का आयोजन नहीं होगा तो कितना नुकसान हो जाएगा? बहुत ही नुकसान। तो आप रोजी रोटी कैसे चला पाएंगे? अब तो ये देख लो कैसे चलेगी, मेला लगेगा नहीं तो क्या होगा। क्या नाम बताया था अपना? सरमन कुमार जी। तो